सो अपना स्विमिंग पूल में खेलना हो गया है, अपना नहीं मेरा और दोस्त लोग अभी भी है स्विमिंग पूल में, दिखाते हैं आप लोगों को। बाहर शाम हो चुका है ऑलरेडी और भाई लोगों का अभी तक हुआ नहीं है। स्विमिंग पूल पे लाइट जला के अभी भी खेले जा रहे हैं भाई लोग। सो भाई लोगों का जब हो जाए उसके बाद हम लोग चालू करेंगे बारबेक्यू, तंदूरी चिकन वगैरह बनाएंगे। तो भाइयों ये हो रहा है बारबेक्यू का तैयारी, ये बारबेक्यू है और ये बोनफायर का तैयारी हो रहा है और ये भैया केयरटेकर हैं इस विला के। सो वो सब कुछ रेडी कर दे रहे हैं, फिलहाल बारबेक्यू वो लगा दे रहे हैं और बोनफायर के लिए लकड़ी वगैरह सेट कर दे रहे हैं, ये थोड़ा सा रात होगा तब हम लोग जलाएंगे। तो भाइयों ये हमारा बोनफायर रेडी हो रहा है, भैया कर रहे हैं एकदम मस्त, केरोसिन वेरोसिन डाल के पूरे एकदम होलिका दहन कर दिए, धुआं धुआं कर दिए हैं पूरा एकदम। उत्तम का व्लॉग अभी वो हो गया है, हाईजैक हो गया है, वो हो गया क्या होता है। हाँ तो यहाँ भाई साहब अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे होलिका दहन, इन यहाँ बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बॉनफायर। तो बॉनफायर चल रहा है यहाँ पे, ये हमारे बारबेक्यू का सेटअप है, आपको दिखा देते हैं। उत्तम तो बता ही दिया होगा अभी, बारबेक्यू इज परफेक्ट फॉर ग्रिलिंग है ना। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा वुड्स है जिसको हम यूज करेंगे बारबेक्यू करने के लिए। अरे हमारे घरे हम तो उदार है, हम भी लाइट दे रहे थे, हम बता दी एक नाता बैचलर लौंडा है भाई, जिंदगी जी रहा है तो इसको बीच में रख के सब बोल लो, मुझे मजा आएगा। एक नाता बैचलर लौंडा है भाई, जिंदगी जी रहा है भाई, यही जिंदगी जलाए। तो भाई लोग सुबह हो गया है, अभी निकले हैं हम लोग, बालकनी में हैं, ये बालकनी एरिया है, तो ये बालकनी पे हैं अभी फ़िलहाल, ऊपर वाले फ्लोर पे। सो अभी बज रहा है 9, सब भाई लोगों का भी नींद खुल गया है, एक दो भाई लोग अभी भी सो रहे हैं। सो जो लोग सो रहे हैं उनको उठाते हैं, चेकआउट कर जाएंगे, आज ही हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। सो देखते हैं उठ के थोड़ा सा नाश्ता वास्ता का क्या होता है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद में निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे एक भाई साहब यहाँ पे ढेर पड़े हैं, भाई साहब सुबह सुबह उठ जाइए, ये पूल एरिया, कल रात का भसण यहीं बचा था। ये है वो बालकनी एरिया जहाँ पे खड़े थे फिलहाल, रोहित है फिलहाल खड़ा। ये बॉनफायर एरिया, इसी में कल बॉनफायर हुआ था। सो रांची से आने के बाद में यहाँ पे उतना ठंड पता नहीं चल रहा है और आज ठंड है भी नहीं यहाँ पे, शायद मुझे लग रहा है 19-20 डिग्री के आसपास होगा मिनिमम टेम्परेचर, तो कंफर्टेबल है, प्लीजेंट वेदर है। और ये एरिया जो है ये गंगा के पास में है, गंगा किनारे। तो 11 बजे चेकआउट करने का टाइम हो गया हम लोगों का, लेकिन अभी तक वी आर नॉट डन येट। सो भाई लोग अभी भी स्विमिंग पूल में हैं,
गेम चल रहा है अभी भी। सो अब मैच खत्म होगा, उसके बाद में हम लोग निकलते हैं, चेकआउट करते हैं। तो गाइस पैकिंग वगैरह डन है, अब निकलेंगे हम लोग यहाँ से। अब हम लोग निकल रहे हैं। हे गाइस, सब लोग एकदम मस्त रेडी हो गए हैं। तो भाई का इंट्रो बाकी है, भाई का इंट्रो करवाते हैं आप लोगों से। लगेज वगैरह सब रखे हैं हम लोग यहाँ पे, गाड़ी का डिक्की खोल दिए हैं। तो गाड़ी का डिक्की खोल के अब सब सामान डालते हैं। ये जैकेट ऊपर तेरा गया, चश्मा तेरा गया भाई, चश्मा। भाई लोग लास्ट पैक बच गया था, बस अब निकलने के पहले लास्ट पैक हो रहा है। लाइट स्नैक, हल्का स्नैक्स चल रहा है यहाँ पे भाई लोगों का। गाड़ी हमारा ऑलमोस्ट पैक्ड है, हमने स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा कोल्ड स्टार्ट करके रख रहे हैं हम लोग गाड़ी। लगेज वगैरह तो ऑलमोस्ट रख लिया हम लोगों ने। सो बस अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। अच्छा था स्टे, अच्छा था, रूम्स वगैरह भी ठीक ठाक थे यहाँ पे। सबसे अच्छा पार्ट था प्राइवेट स्विमिंग पूल, सो मस्ती तो हुआ ही। और इस तरीके होपफुली ऐसा एडवेंचर हम लोग फिर से करने वाले हैं, तो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। ये हम लोगों का सारे दोस्तों का गेट टुगेदर इस टाइम पर रहता है। हम लोग जनरली इस टाइम पर सारे फ्रेंड्स गेट टुगेदर करते हैं, सब लोग इधर उधर रहते हैं, कोई जर्मनी में है, कोई जापान में है, कोई बेल्जियम में है। तो इस टाइम पे जनरली हम लोग सब कोई मिलते हैं यहाँ पे। तो फ़िलहाल तो अभी हम लोग यही सब चल रहा है। अभी नेक्स्ट ईयर का ऑलरेडी प्लान बना रहे हैं हम लोग। लास्ट ईयर भी रायचक ही आए थे हम लोग, इस साल भी रायचक आए हैं, तो विला दूसरा है। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर का कहाँ का प्लान बनता है अपने गेट टुगेदर का। स्वामी नारायण, इसका नाम अक्षरधाम क्यों है? अक्षरधाम का अक्षरधाम नहीं है भाई, लिखा है वहाँ पे स्वामी नारायण, अक्षय पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर का ना फ्रेंचाइज, वो उनका जो फ्रेंचाइजी है ना उसी में से एक है। वो वहाँ पुणे में ना वो बनाया हुआ मंदिर, सारा मंदिर जो इनका वर्ल्ड वाइड है ना। दुर्गापुर हाईवे का रोड एक्सटेंशन का काम बहुत ज़ोर शोर से चालू है, तो इसको अभी 6 लेन बनाने का काम चल रहा है। ये 4 लेन है अभी, इसको 6 लेन बनाने का काम चल रहा है। काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो भाई लोग, भाई का इंट्रो रह गया था, भाई का इंट्रो लेने के लिए 5 दिन बाद वापस मिला हूँ भाई से, ताकि भाई का इंट्रो ले सके। तो भाई जो है, भाई का नाम है नीरज और भाई हमारा स्कूल का फ्रेंड है, स्कूल का बड़ी है। जस्ट लाइक पीछे दिख रहा है आप लोगों को, पीछे लड़का दिख रहा है, हावड़ा का लड़का लोग दिख रहा है आपको। ये सब हावड़ा का लड़का लोग हैं। इनका तो आपका रिवील वीडियो में इनका आ गया होगा, पर हम बच गए थे वहाँ पे। तो भाई का अलग से इंट्रो करना बाकी रह गया था, तो भाई को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो भाई हमारा स्कूल का फ्रेंड है, स्कूल का बड़ी है, और शायद जैसे आप लोगों का रोहित से भी इंट्रो नहीं हुआ, रोहित से इंट्रो करवाते हैं। लास्ट टाइम शायद रोहित नहीं था, रोहित तो रोहित का इंट्रो रह गया था। रोहित भी अभी उस समय लास्ट जब वीडियो बना था तो रोहित शायद से जापान में था, तो रोहित भी आया हुआ है यहाँ पे, अभी फ़िलहाल इंडिया में रहेगा हमारे साथ में। तो रोहित भी हमारे स्कूल का फ्रेंड है। Hey buddy, what's up? Keep watching the video. Keep watching the video. Like, share, subscribe. So, like, share and subscribe, guys.